गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू रुलिशियस किचन। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बनाने वाले हैं बेकिंग, बहुत दिन हो गए बेक करे हुए, तो आज हम बनाएंगे चीज़ी पनीरी रोल्स, क्रोसेंट स्टाइल ब्रेड। बहुत ही आसानी से बन जाती है, ओवन है तो भी बन जाएगी, नहीं है तो भी बन जाएगी। जी हाँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड बटन जो दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिएगा, और सामने जो बेल आइकन दिखेगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ आपको देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। स्टफिंग के लिए हम ले लेंगे दो, ये मेरा गार्लिक ऑयल है। अगर आपको रेसिपी चाहिए कि तो बताइएगा, आप कोई भी ऑयल 2 चम्मच ले लीजिए। हम देसी स्टाइल में बना रहे हैं तो हमने जीरा डाला है, हम कॉन्टिनेंटल स्टाइल में नहीं बनाएंगे आज, फिलिंग इंडियन स्टाइल में बिल्कुल। तो आपने इसमें जीरा डाल देना है, एक हरी मिर्च काट के और एक प्याज को बारीक ऑमलेट कट काट के डाल दीजिए। सब कुछ साथ में डालिए, एक टमाटर डाल दीजिए बारीक कटा हुआ, और आधा कप के करीब तकरीबन पनीर, पनीर नहीं है तो न्यूट्रीनगेट नहीं है तो जो सब्जियाँ आपके पास है वो डाल दीजिए। बची हुई सब्जी भी स्टफ़ कर सकते हैं, आप बिना पकाए भी सब्जियाँ इसके अंदर स्टफ़ करते हैं। सॉसेज इसके साथ, चटनी के साथ आप सब्जियाँ मिला दीजिए, उसको भी स्टफ़ कर सकते हैं। अब मसाले डाल दीजिए, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेगा, नमक स्वाद अनुसार हमेशा कहती हूँ, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, और इसमें 1 छोटा चम्मच सूखा धनिया, धनिया पाउडर डालेंगे, कोरिएंडर पाउडर, और गरम मसाला अगर आप खाते हैं तो 1/2 चम्मच डाल दीजिए। देगी मिर्च थोड़ी सी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसमें आप चिकन मसाला डाल सकते हैं, पाव भाजी मसाला, जो आप मसाले डालना चाहें, किचन किंग मसाला 1 चम्मच डाल सकते हैं। थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दीजिए, 2 से 3 चम्मच कटी हुई बारीक। बस ये सब्जी हमारी बनके तैयार, 2 से 3 मिनट में सब्जी बनके तैयार होती है। अब लास्ट में इसमें 1 चम्मच टमाटर सॉस या पेपरिका सॉस, चिल्ली सॉस जो है आप बनाइए, मिलाइए और सब्जी तैयार है। स्टफिंग को साइड में रखते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका पेस्ट बनाने के लिए। इसके लिए हमने ले लिया है 1.5 कप मैदा, 1.5 कप मैदा लेने। आप इसको आटे में भी मिला सकते हैं, मल्टीग्रेन आटे में भी बना सकते हैं, सेम चीज़ रखिएगा, मैदा चेंज करके उसकी जगह आप आटा ले लीजिएगा, और या मल्टीग्रेन आटा। इसमें हमने 1 चम्मच मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर से बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आता है, और 1.5 चम्मच एक्टिव ईस्ट डाली। ईस्ट को हमेशा फ्रीजर में रखिए, तब फ्लैट नहीं होती। 1 बड़ा चम्मच चीनी डाल दीजिए। तो इन सब ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को आपने डाल देना, हल्का सा नमक डालेंगे 1/4 चम्मच, और इनको हमने मिला देना। दूध हमने 1/4 कोसा गरम दूध लिया है, आप हिसाब से लीजिएगा क्योंकि कई बार दूध ज़्यादा कम हो जाता है। 3 चम्मच बटर लीजिएगा, पहले हम 2 चम्मच डालेंगे और 1 चम्मच बाद में। इसको आपने मसल के गूंदना है, थोड़ा चिपकेगा हाथ में, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा मैदा आप मिला सकते हैं इसमें, 1 से 3 चम्मच मैदा आप और मिला सकते हैं। इसको आपने 8 मिनट तक गूंदना है, उसके बाद ही कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इसमें बचा हुआ 1 चम्मच ऑयल या बटर आप डाल के फिर से इसको गूंदिए। ये बहुत हल्का हो चुका है अब तक, आप देखिए इसको, फिर मसल लीजिए 3 मिनट। तो सब मिला के आपने 8 से 10 मिनट तक इसको गूंदना है अच्छे से। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तब तो 1 मिनट में हो जाएगा, ये कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो इस तरीके से इसको गूंदने के बाद आपने इसको एक अच्छे से ऊपर से मार मार के भी आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से, और बस अब हमारा ये तैयार, ये देखिए तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक बोल में अंधेरी जगह में रख देते हैं। अगर गर्मी है तो 1 घंटे में डबल हो जाता है साइज़ में, और अगर सर्दियाँ हैं तो 2 घंटे से 3 घंटे ये लेता है। चलते हैं देखते हैं, इसको हम रख देते हैं, डबल साइज से भी ज़्यादा हो गया है। इसको हम पंच कर देंगे, इसकी हवा पूरी एयर निकाल देंगे हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, इसको हल्के हाथ से करके बस ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इससे 2 ब्रेड बनाएंगे क्रोसेंट स्टाइल में। तो पहले हमने हाफ करके एक बना के मैं आपको दिखाती हूँ। आपने इसको काफ़ी बड़ा स्क्वायरिश रेक्टेंगुलर शेप में बेल लेना है इस तरीके से, देखिए आप, बड़ी आसानी से बेल जाता है, लंबा लंबा करके, पतला, ज़्यादा पतला भी नहीं करना, बहुत मोटा भी नहीं रखना क्योंकि फूलेगा, तो बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे तो ये फूल जाएगा। और आटे की ब्रेड अगर आप लेते हैं तो थोड़ा और पतला कर दीजिएगा, अगर आप आटा यूज़ कर रहे हैं, ये मैदा है। तो इस तरीके से हमने इसको बेल लेना। अब हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे 3/4 साइज़ जो इसका है, 1/2 से कम, 1/4 से थोड़ा ज़्यादा इसको छोड़ देंगे, बाकी को हम इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर से कट कर देंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप नाइफ़ से कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आप पतले पतले लंबे लंबे स्ट्रिप्स इसके काट दीजिए, जितने पतले काटेंगे उतना अच्छा है, इस तरीके से, है ना, ये कट गए, देखिए। बस अब आप इसको अपनी साइड में ले लीजिए। अब इसके अंदर आप चिकन भर दीजिए, कुछ भी भर सकते हैं आपके ऊपर, आप कोई भी स्टफिंग जो आपके घर, कई बार ऐसा होता है ना, बस स्टफिंग पड़ी हुई होती है ऑलरेडी कुछ चीज़ें फ्रिज में, तो आप उनको भी डाल सकते हैं। एग भुज्जी डाल सकते हैं आप इसमें, चीज़ के साथ मिक्स कर दीजिए एग को, उसको डाल सकते हैं। तो ये देखिए चिकन बच गया, तो उसको आप अलग अलग रेशे निकाल के उसको सब्जियों के साथ मिक्स करके उसको डाल दीजिए, पकाने की भी ज़रूरत नहीं। मोज़रेला चीज़ ज़रूर डालिएगा, तो ये 2 चम्मच से 3 चम्मच तक मोज़रेला चीज़ है मेरे पास
फ्रीज़र में थी तो जम गई, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया, अंदर मेल्ट हो जानी है जनाब जी। हाँ, तो इस तरीके से इसमें डाल दीजिए। देखिए सब्ज़ी में से धुआं अभी भी निकल रहा है, आपको दिखाना है, आप ठंडा करके डालिएगा, मेरे को दिखाना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी डाल रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको रोल कर देना, बड़ी जल्दी रोल हो जाता है। साइड से अंदर कर दीजिए इसको और ये रोल कर दीजिए। अब जो साइड से निकलती है ना इसकी स्ट्रिप्स, उनकी चिंता ना कीजिएगा, वो पकने के बाद बेहद खूबसूरत लगती है। तो आप ये ना सोचिए हम प्रोफेशनल बेकर्स तो हैं नहीं, तो इसलिए घबराइएगा नहीं अगर आपकी साइड में से स्ट्रिप्स निकल जाती कि यार ये तो बाहर निकल रही है, इसको खींच के हमने अंदर वैसे भी करना ही है। तो साइड की दो दो स्ट्रिप्स ले लीजिए और उनकी पट्टियों को अंदर खींच लीजिए और जो बीच में चिपक गई हैं उनको अलग कर दीजिए। अब इसको हमने क्रोइसेंट स्टाइल में बनाना है तो हम इसको थोड़ा सा गोल शेप देंगे, क्रैप का शेप होता है ना, बस वैसा शेप देंगे। थोड़ा सा हल्के हाथ से दीजिए वरना टूट के बिखर जाएगा। तो बस इस स्टाइल में आपने इसको शेप दे देना है और फिर इसको रख देना है 10-15 मिनट के लिए फिर से अलग से ढक के, ताकि थोड़ा सा और रेस्ट करे, फूल जाए, थोड़ा सा साइज में थोड़ा सा बढ़ जाए। ये देखिए हमारा फूल गया, फूलने के बाद ये और खुल जाता है। तो बस अब हम इसमें क्या लगाएंगे, ब्रश करेंगे मिल्क। अगर आप अंडा खाते हैं तो एग वाइट ले लीजिए, फेंट के उसको ब्रश कर दीजिए, लेकिन जो लोग एग नहीं खाते हैं वो लोग मिल्क कर दीजिए ब्रश, है ना। इस तरीके से ब्रश अच्छे से लगाइए, खूब कंजूसी ना करिएगा, बढ़िया ढंग से आप लगा दीजिए इसको। और आप इसके ऊपर अब कुछ भी डाल सकते हैं, आप खसखस के दाने डाल सकते हैं, आप कलौंजी डाल सकते हैं, आप मिक्स जो रोस्टेड नट्स होते हैं ना वो डाल सकते हैं, आप मगज के बीज डाल सकते हैं। मैं डालूंगी तिल, तिल कैल्शियम से भरपूर होते हैं, तिल बहुत खाने चाहिए। कुछ दिनों में मैं आपके लिए तिल की बहुत ही सुंदर सुंदर रेसिपीज लेके आने वाली हूँ, जरूर देखिएगा। तो खूब सारे तिल डाल दीजिए इसके ऊपर। और इसके बाद क्योंकि हम ये इंडियन स्टाइल में बना रहे हैं तो ऑरिगेनो कुछ नहीं डालेंगे, तो हम चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। और अब हम इसको 180 पे हमने प्री हीट करके रखा है अवन को, उसमें हम 12 से 15 मिनट तक बेक करेंगे लोअर ग्रिल पे, ऊपर वाली नहीं चलाएंगे। लास्ट के कुछ मिनट्स बचे होंगे ना, एक या दो, तब हम टॉप वाली चलाएंगे, वरना वो जल जाता है बहुत जल्दी, तो ध्यान रखिए जब टॉप जलाते हैं। तो बस ये 10 से 15 मिनट लगता है, आपके अवन के ऊपर भी है कि कितना टाइम लेगा, आप चेक करते रहिए, है ना। तो ये मेरे में 10 से 15 मिनट लगते हैं, तकरीबन लगते ही हैं, 12 मिनट 13 मिनट तो लगते ही हैं। तो ये देखिए वोल्टेज के ऊपर भी है, सर्दियों में कई बार वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है। ओ माय गॉड, इतना खूबसूरत। अब इसको डालिए, बटर से लपेट दीजिए इसको। जी हाँ, बटर नहीं तो ऑलिव ऑयल नहीं तो जो भी आपके पास है, आप घी में भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए तो कोई इंडियन स्टाइल में बनाया है हमने इसको, ये क्रोइसेंट स्टाइल ब्रेड। देखिए मतलब आप बेकरी में जो ब्रेड मिलती है ना वो भी इतनी फ्रेश नहीं होती होगी घर की, तो और आपको इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, अवन नहीं है, कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डालिए, उसके ऊपर एक कटोरी रखिए, उसको उल्टा करके उसके ऊपर प्लेट में ग्रीस करके इसको रख दीजिए और ढक दीजिए कढ़ाई को, 15 मिनट में बन के तैयार होगी सेम ऐसे ही। तो ये अवन अगर नहीं भी है तब भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनती है। और जब बन रही होती है ना तो घर में इतनी फ्रेश बेकिंग ब्रेड की इतनी फ्रेश स्मेल घूम रही होती है, कातिलाना स्मेल जिसको बोलते हैं। ओ माय गॉड, ये देखिए मैं काट रही हूँ और चीज़ बाहर निकल के चाकू के साथ चिपक गई है, नाइफ के साथ। ये देखिए अब हम काट के दिखाते हैं आपको। ओ माय गॉड, कितना टेस्टी, मेरा तो मन कर रहा है सब रिकॉर्डिंग छोड़ के खा लेती हूँ जल्दी से गरम गरम। इतनी शानदार, इतनी जूसी, इतनी गूई अंदर से और बाहर से, बिल्कुल मिल्क पाउडर जैसी ब्रेड है। मिल्क ब्रेड होती है ना जैसे सॉफ्ट सी, फ्रेश फ्रेश सी जो ब्रेड होती है मुंह में घुल जाती है, वैसी ट्राई कीजिएगा रेसिपी और ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो कल मिलेंगे फिर इसी जगह इसी वक्त एक नई सुबह एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय बाय।